भैया राम राम। भैया जय बलराम। भैया मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है, मैं आशा संस्था से आया। मेरा नाम देवेंद्र पटेल है, मैं भारतीय किसान संघ से जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अच्छा। और मैं ग्राम देवरी का रहने वाला हूँ। भैया आज क्या कर रहे हो? भैया आज मेरी धान के जो रोपा है वहाँ में झुलसा रोग है, बाकी मैंने देसी विधि से बाकी दवाई तैयार कर रहा हूँ। अच्छा भैया, मेरे धान के जो रोपा है बाकी जो पत्ती हैं धान की जो पेड़ा है बाकी पत्तियाँ जो लग रही आने के बाद झुलसा रोग बोला है। अच्छा भैया, बाकी का दवाई बना रहा हूँ। भैया ये झुलसा रोग क्या होता है? भैया जो झुलसा रोग अपने जो पेड़ हो रहे थे ना धान की पौधा जी, वहाँ में सब पीली पत्तियाँ होने लगे और वो ऊपर टोन जो रही थी काली पड़ जाए, बाय झुलसा रोग बोला है। धान की पत्तियां जहाँ झुलसा लगा था जहाँ वजह से झुलसा रोग बोला। अच्छा भैया, आप इसी दवाई का प्रयोग क्यों करते हो? भैया जाग का जो बना था दवाई का तुलसी पत्ता घरा हो था, बेल के पत्ता घरा हो था और जब दवाई बनावे मेहनत भी नहीं लगे, सरल स्वभाव से बन जाता है जो दवाई। एक काज भैया जब दवाई हम बनाते हैं और जहाँ कुछ खर्चा भी नहीं। भैया आप जब दवाई बनावे काज कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में लात हो और जब दवाई बनावे की विधि क्या आप हमें बते हो? भैया जब दवाई बनावे में सबसे पहले अपने तुलसी पत्ता लगा था जो अपने घरों में तुलसी कोटों में मिला था। अच्छा भैया, और जब बेर आप जानते ही हो? हाँ भैया, जब बेर है और जब बेर अपने खेतों में खरियानों में होता है और जो पानी, ये तीनों चीज़ से जो दवाई बनाता है। ये 25 ग्राम तुलसी के पत्ता और 25 ग्राम बेल के पत्ता और एक एक लीटर पानी में अलग अलग करके जाए पानी। भैया जो एक लीटर पानी लाओ अपन ने जा गंजा में और जाम में 25 ग्राम तुलसी पत्ता अपन ने जी डाल दें और अब जिन्हें अपन उबाल। भैया हमने ये तुलसी पत्ता उबाल लाए हैं, अब जी अब अपन बेल के पत्ता उबाल। भैया आप जो एक लीटर पानी में अपन जी बेल के पत्ता उबाल 25 ग्राम। भैया अपने ये बेल के पत्ता भी उबल गया। भैया जी अपने तुलसी के पत्ता भी उबल गए और अब ये बेर के पत्ता भी उबल गए। ये गुनगुने पानी में अपन ने इन्हें उबाले और अब इन्हें जई में भीज दें। अब जिन्हें अपन ने मीज लिया भैया अब इन्हें पत्तों में अलग कर दें। भैया जग के अपन ने पत्ता निकाल लें, अब जब पानी ये पंजाब में मिक्स कर दें। भैया ज़्यादा भाई अपन ने अब जाए मिक्स कर दी तो ज़्यादा भाई अपनी तैयार हो गई। तो भैया जो दवाई अपनी तैयार हो गई। अच्छा, अब अपन जाए झुलसा रोग में डाल सका। अच्छा तो भैया जो दवाई अपने कितने एकड़ काज तैयार हो गई? भैया जो दवाई अपनी एक एकड़ काज तैयार हो गई, जाए अपन 200 ml हर पंप में डाल सका। अच्छा भैया, जो दवाई बनावे से आप कौन कौन से फ़ायदा हैं? सबसे पहले तो भैया अपनी जो चीज़ आसानी से बना ली थी अपन जाए जे तुलसी है, बेर के पत्ता है, पानी है, ये सब अपने घर के उपयोग की चीज़ें हैं और जिन में अपनी लगत भी नहीं है कच। एक तो भैया जहाँ अपने पैसा नहीं लगा और दूसरी चीज़ है ये जो आसानी से बन जाती है। एक जास है अपने पौधा पे, अपनी फसल पे, अपने खेत पे किसी प्रकार को दुष्प्रभाव नहीं पड़ा जा, अपने वातावरण और अपनी प्रगति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा जा। भैया आपने जो दवाई बनाई है तुलसी के पत्ता और बेर के पत्ता से, तो हमारे किसान भाइयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से जय बलराम की, सभी किसान भाई यही दवाई बनाए और इसका उपयोग। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें दवाई बनाकर बताई और मैं आशा करता हूँ कि हमारे किसान भाई इस दवाई को बनाएंगे और इसका उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक फ़ायदा लेंगे। अच्छा भैया जय राम जी की। जय बलराम की भैया।